गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम AHDB फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट है एनाटमी, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एनिमल स्केल्टन, यानी कि पशु कंकाल तंत्र। पशु कंकाल में हम दो प्रकार के स्केल्टन के बारे में पढ़ते हैं, ऑस्टियोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि अस्थि विज्ञान के अनुसार हम दो प्रकार के बोन्स यानी कि दो प्रकार के कंकाल तंत्र पढ़ते हैं स्केल्टन। एक तो होता है एक्सियल स्केल्टन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केल्टन। एक्सियल स्केल्टन में तो क्या क्या पढ़ते हैं हम, स्कूल ऑफ बोन्स, रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स। एंड जो अपेंडिकुलर स्केल्टन है उसके अंतर्गत हम पशु के अगले पैर और पिछले पैर की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि फोर लिम एंड हाइंड लिम। तो नेक्स्ट हम जो हमारे स्केल्टन है उसमें हम पढ़ रहे हैं, एक्सियल स्केल्टन से पहले हम पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर स्केल्टन। अपेंडिकुलर स्केल्टन का मतलब होता है उपांगीय कंकाल तंत्र या अनुबंधित कंकाल तंत्र। इस कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसमें आती है हमारे पशु की फोर लिम एंड हाइंड लिम, यानी कि अगले पैर एवं पिछले पैर। इन दोनों का अध्ययन हम किस में करते हैं, अपेंडिकुलर स्केल्टन में। अपेंडिकुलर स्केल्टन के अंदर हम अगले और पिछले पैर का अध्ययन करते हैं, उसमें हम बोन्स का अध्ययन करते हैं। तो इसमें अगले पैर की हड्डियां और पिछले पैर की हड्डियां, फोर लिम बोन्स एंड हाइंड लिम बोन्स। अब इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर लिम्ब की बोन्स के बारे में, तो हमारी फोर लिम्ब की सबसे पहले नंबर की जो बोन है वो है द स्केपुला बोन। और द स्केपुला बोन में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्स की स्केपुला। किसकी स्केपुला, ऑक्स की स्केपुला, क्योंकि वेटनरी साइंस के अंतर्गत अगर हम देखें वेटनरी एनाटॉमी में तो सबसे मुख्य पशु के रूप में जिसे माना जाता है वो क्या होता है, ऑक्स होता है। ठीक है, तो द स्केपुला बोन में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्केपुला बोन क्या होती है, दिखने में कैसी, और इसे हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के आधार पर किस आधार कौन सी बोन में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो ये है हमारी स्केपुला बोन। स्केपुला बोन ये कौन से पशु की है, ये है ऑक्स की। एनिमल कौन सा है इसका, ऑक्स है, तो उसकी ये बोन है, ये है स्केपुला बोन। स्केपुला बोन में सबसे पहले है ये, दिखने में कैसी बोन है, दिखने में है ये बिल्कुल चपटी बोन है, यानी कि फ्लैट बोन के अंतर्गत हम इसे रख सकते हैं। दूसरा अब हम इसे देखें तो ये दिखने में कैसी है, त्रिकोणाकार, यानी कि इसमें तीन कोण पाए जाते हैं और ये बिल्कुल त्रिभुज के शेप की है, इस वजह से इसे क्या बोल देंगे हम, त्रिकोणाकार बोन बोल देंगे, यानी कि ट्राइंगुलर बोन। इस ट्राइंगुलर बोन में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस स्केपुला बोन ये जो ऑक्स की है इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें क्या होते हैं, तीन किनारे होते हैं, तीन किनारे होते हैं। तो इसमें ये है इसका एंटीरियर किनारा यानी कि एंटीरियर बॉर्डर, और ये है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये है इसका डिस्टल बॉर्डर। ठीक है, इसे हम जो हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है ये थोड़ा पतला होता है तो इसे हम क्रेनियल भी बोल सकते हैं, और ये थोड़ा छोटा है तो इसे बोलेंगे क्रेनियल एंगल, और ये है इसका कॉर्डल एंगल, क्योंकि कॉर्डल एंगल जो है ये दिखने में थोड़ा मोटा है तो इसे हम पोस्टीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, और इसे इसका इन्फीरियर एंगल या डिस्टल एंगल भी बोल सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ही नीचे का सिरा या किनारा भी बोल सकते हैं। इस बोन में जो तीन किनारे हो गए, अब हम इसमें तीन कोण की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले कोण की बात करें तो ये है इसका एंटीरियर एंगल यानी कि अग्र किनारा, ये है इसका पश्चिम किनारा, और ये है इसका इन्फीरियर एंगल या इसे ग्लिनोइड एंगल भी बोल सकते हैं। अब इसे हम ग्लिनोइड एंगल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो गोल सेलो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं इस बोन की ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। इसमें ये इसके तीन कोण हो गए, तीन किनारे हो गए। तो अब हम इसके देखते हैं, इसकी दो सरफेस होती हैं, इस बोन में दो सरफेस होती हैं, ये है इसकी लेटरल सरफेस और ये है इसकी मीडियल सरफेस। कौन कौन सरफेस है, ये तो है इसकी लेटरल सरफेस और ये है इसकी मीडियल सरफेस। तो हम देखें लेटरल सरफेस पे सबसे पहले तो इसमें एक नुकीला तीखा सा उभार पाया जा रहा है, इसे बोलते हैं स्केपुलर स्पाइन। क्या बोलते हैं, स्केपुलर स्पाइन। ये जो स्केपुलर स्पाइन है ये थोड़ा सा मिडल में यानी कि बीच में थोड़ा सा ब्लंट है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ एक मोटा सा किनारा है। यहाँ पे कौन सी मसल्स आकर जुड़ती है, यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल्स आकर जुड़ती है। इसमें जो दो फोसा है, इसमें ये तो है इसका
सुप्रास्पाइनस फोसा और ये है इसका इंफ्रास्पाइनस फोसा, यानी कि ये है इसका सुपीरियर भाग और ये है इसका इन्फीरियर भाग। सुपीरियर भाग छोटा होता है और इन्फीरियर भाग बड़ा होता है, ठीक है। तो सुपीरियर भाग पे दो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स आकर जुड़ती है और इन्फीरियर भाग पर इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स आकर जुड़ती है। इस स्केपुलर स्पाइन का जो अंतिम सिरा है एक उभार के रूप में समाप्त हो रहा है, एक गोल उभार के रूप में समाप्त हो रहा है। इसे बोलते हैं इस बोन का एक्रोमाइन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एक्रोमाइन प्रोसेस। एक्रोमाइन प्रोसेस के बाद में ये जो कटाव है इसे बोलते हैं इस बोन का कोरोनॉइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये? इसका कोरोनॉइड प्रोसेस है। इसके पास में ये जो है इसके डिस्टल एंड पर, यानी कि इसकी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी हो गई और ये इसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी, यानी कि समीपस्थ सिरा और दूरस्थ सिरा। अब इसके हम डिस्टल एंड पर देखें तो डिस्टल एंड में एक्रोमाइन प्रोसेस आ गया, एक्रोमाइन प्रोसेस के बाद में आ गया कोरोनॉइड प्रोसेस, और कोरोनॉइड प्रोसेस के जस्ट पास में यानी कि इसके डिस्टल एंड पर है ये है इसकी ट्यूबर स्केपुली। क्या है इसकी? ट्यूबर स्केपुली। ट्यूबर स्केपुली के जस्ट पास में क्या है ये? इसका ग्लिनोइड नोच। क्या है ये? ग्लिनोइड नोच। ग्लिनोइड नोच यानी, और ये जो पूरी की पूरी गोल आकार की जो संरचना है इसे बोलते हैं स्केपुला बोन की ग्लिनोइड कैविटी। यह एक प्रकार से सेलो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि गोल आकार की संरचना है ये। क्या है इसकी? ग्लिनोइड कैविटी। इस ग्लिनोइड कैविटी के चारों तरफ ये जो बॉर्डर है इसे बोलते हैं रिम ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं? रिम ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। ये हो गई इसकी ग्लिनोइड नोच, ये हो गई इसकी ट्यूबर स्केपुली, ये हो गया इसका कोरोनॉइड प्रोसेस, ये है इसका एक्रोमाइन प्रोसेस, ये है स्केपुलर स्पाइन, ये है सुप्रास्पाइनस फोसा, ये है इंफ्रास्पाइनस फोसा। यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल्स आकर जुड़ती है, यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स आकर जुड़ती है, यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल्स आकर जुड़ती है, ठीक है। अब हम इसके मीडियल सरफेस की बात करें तो ये होता है यहाँ पे सब स्केपुलर फोसा, इसे बोलते हैं इसका सब स्केपुलर फोसा। इस सब स्केपुलर फोसा के ऊपर सब स्केपुलर मसल्स आकर जुड़ती है। क्या जुड़ती है? सब स्केपुलर मसल्स आकर जुड़ती है। इसका जो अंत में जो इसका जो भाग है, इसकी जो ग्लिनोइड कैविटी है, इसमें जो ह्यूमरस बोन होती है अगले पैर की दूसरे नंबर की जो बोन होती है ह्यूमरस, उसका हेड आकर फिट होता है। इसके हेड फिट के होने की वजह से यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनता है? शोल्डर जॉइंट बनता है। और ये शोल्डर जॉइंट किस किस के बीच बनता है? स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस बोन के हेड के फिट होने से शोल्डर जॉइंट का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्केपुला बोन। स्केपुला बोन हमें दिखने में कैसी है? त्रिकोणाकार है और फ्लैट बोन है, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लें कि इस बोन में क्या क्या होता है, तो हम थोड़ा सा इसका वर्णन करते हैं। तो स्केपुला बोन सबसे पहले तो दिखने में कैसी है? ये फ्लैट है, फ्लैट बोन है। दूसरी क्या है? ट्राई एंगुलर बोन है। कैसी बोन है? ट्राई एंगुलर बोन है। इसमें तीन बॉर्डर हैं, तीन एंगल हैं, दो एक्सट्रीमिटीज हैं एंड टू सरफेस है, ठीक है। तो तीन बॉर्डर तो कौन से हो गए इसके? एंटीरियर, जिसे हम क्रेनियल बॉर्डर भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया पोस्टीरियर, जिसे हम कोडल बोल सकते हैं। और लास्ट है इसका डिस्टल बॉर्डर, जिसे दूरस्थ सिरा भी बोल देते हैं। तीन एंगल कौन कौन से हैं इसमें? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर, इन्फीरियर एंगल, जिसे हम ग्लिनोइड एंगल भी कह सकते हैं। दूसरा इसमें दो एक्सट्रीमिटीज हो गई, एक तो हो गया प्रोक्सीमल और दूसरा हो गया डिस्टल। प्रोक्सीमल एंड डिस्टल, समीपस्थ सिरा और दूरस्थ सिरा, ये क्या हो गए इसके? दो एक्सट्रीमिटीज हो गई, दो सरफेस हो गई। एक तो है लेटरल सरफेस और दूसरी है मीडियल सरफेस। लेटरल सरफेस में तो क्या क्या होता है? लेटरल सरफेस में सबसे पहले मध्य में क्या होती है? स्केपुलर स्पाइन, स्केपुलर स्पाइन पाया जाता है। स्केपुलर स्पाइन के मध्य में थोड़ा सा चौड़ा होता है, वहां पे कौन सी मसल्स आकर जुड़ती है? ट्रेपीजियस मसल्स आकर जुड़ती है। इसी स्केपुलर स्पाइन स्केपुला बोन को
टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, इन्फीरियर और सुपीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर। सुपीरियर पार्ट, इसका जो सुपीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और इन्फीरियर पार्ट है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस ये सुपीरियर इन्फीरियर को ही हम क्या बोल देते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा, और इन्फीरियर पार्ट को बोल देते हैं इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। इस सुपीरियर एवं इन्फीरियर फोसा का अनुपात आपस में कितना होता है, 1:3, 1:3। ये इसे बोन को कितने भागों में बांट रही है, इस बोन को दो असमान भागों में बांटती है, दो असमान भागों में बांटती है, इस वजह से इसका जो अनुपात है वो कितना है, 1:3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें इसके बारे में, ये जो स्केपुलर स्पाइन है, स्केपुलर स्पाइन एक अंतिम सिरे के रूप में समाप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्रोमाइन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, एक्रोमाइन प्रोसेस। एक्रोमाइन प्रोसेस उसके बाद में जब हम स्केपुलर स्पाइन के बाद में जब हम इसके डिस्टल एंड पे या डिस्टल एक्सट्रीमिटीज पे जाते हैं तो वहाँ पे एक थोड़ा सा स्केपुलर ट्यूबर स्केपुली होती है, एक ट्यूबरकल होता है, उसे बोलते हैं ट्यूबर स्केपुली, क्योंकि वो कौन से बोन की है, स्केपुलर बोन की। ट्यूबर स्केपुली के जस्ट पास में क्या होता है, कोरेकॉइड प्रोसेस, क्या होता है, कोरेकॉइड प्रोसेस। अब इसके बाद में हम देखते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस के जस्ट पास में एक नोच होती है, यानी कि कटाव होता है, उसे बोलते हैं ग्लीनॉइड नोच। ग्लीनॉइड नोच के चारों तरफ क्या होती है, रिम ऑफ द ग्लीनॉइड कैविटी, क्या होती है, ग्लीनॉइड कैविटी की रिम होती है। इस ग्लीनॉइड कैविटी को कैसे संरचना बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेलो सर्क्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेलो सर्कुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस स्केपुला की जो ग्लीनॉइड कैविटी होती है, स्केपुला की ग्लीनॉइड कैविटी में ह्यूमरस बोन का हेड आकर फिट होता है। ह्यूमरस बोन के हेड के फिट होने से कौन सा जॉइंट बनता है, इससे जॉइंट बनता है शोल्डर जॉइंट, क्योंकि हमें पता है ये जो स्केपुला बोन है वो पशु के शोल्डर की बोन है। कौन सी बोन है, शोल्डर की बोन है, ठीक है, और कौन सा जॉइंट बनता है, शोल्डर जॉइंट बनता है, और ये किस हिसाब से स्थित होती है पशु की बोन में, यह है वक्स के क्रेनियो लेटरल एस्पेक्ट पर से वक्ष स्पाइन, यानी कि थोरेसिक स्पाइन से थर्ड एंड फोर्थ रिब्स तक फैली होती है। किस हिसाब से होती है, ये थर्ड एंड फोर्थ रिब्स तक फैली होती है। तो इसी के साथ आज हमारी स्केपुला बोन कंप्लीट होती है, स्केपुला बोन ऑफ ऑक्स कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी, इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नई नई वीडियो मैं बना रही हूँ एनाटॉमी की वो आपको टाइम टाइम पर मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।